सरजू की मौजें गौतम नीलंबर के ऊपर से गुजरती चली गईं। अबुल मंसूर कमालुद्दीन ने किनारे पर पहुंचकर अपना श्याम किरण घोड़ा बरगद के दरख्त के नीचे बांधा और चारों ओर नजर डाली। उसकी थकी हुई आंखों को ये जगह बड़ी सुहानी मालूम हुई। सामने नदी बह रही थी, दूर झोपड़े बने थे, शिवालों में से घंटों की आवाज आ रही थी। बरगद के दरख्त के नीचे किसी पीर का मजार था। गांव की औरतें घूंघट काढ़े आती और मजार पर फल फूल चढ़ाकर आगे चली जाती। उसने झुककर पानी में उंगलियां डुबोई और पानी की खुनकी उसे बहुत अच्छी लगी। पत्थरों के नीचे जहां लहरों का भंवर ऐसा बना था, इसमें उसे अपना चेहरा नजर आया और एक लख्ते के लिए वो मुताज्जुब सा हो गया। वो यहाँ आकर क्या कर रहा है? चंपा अब तक ना आई थी। उसने दोबारा नदी की तरफ देखा, शायद कश्ती में आती हो। मगर किश्ती में चंद देहाती भजन गाते अपनी धुन में मगन एक संत को चले जा रहे थे। फिर उसने आगे बढ़कर एक झाड़ी पर फैली हुई अमर बेल का एक पत्ता तोड़ा। कदम की टहनी फूलों से लदी थी। चंद फूल टप टप उसके सर पर आ गिरे। उसने पगड़ी उतार कर उन फूलों पर हाथ फेरा और अपनी तलवार के मुनक्कश कब्जे को छुआ। फूलों के इस हुजूम में तलवार उसे बहुत बेतुकी मालूम हुई। उसने आहिस्ता से तलवार कमर से अलहदा करके घास पर रख दी। तब पानी में पैरती हुई चंपा घाट पर आ गई। हम तो समझे थे तुम कहीं और मारने मरने के लिए चल दिए, उसने हंसते हुए कहा। अभी तक तो नहीं, पर अब शायद चला जाऊं कुछ अरसे बाद। कहां? लड़की ने घबरा कर पूछा। बिहार और उससे भी आगे बंगाल। वहां जाकर क्या करोगे? यहीं रहो, वहां मेरे भाई बंद हैं। झूठ मत बोलो, तुम्हारे भाई बंद कहीं पहाड़ों में लूट मार मचाते होंगे। गौड़ के दरबार में उनका क्या काम? तुम मेरे भाई बंदों से बहुत खफा हो, और दूसरी बात ये कि वो लूट मार नहीं मचाते, ये तुर्कों और अफगानों का मशगला है। मैं अरब हूँ, मेरा काम फलसफादानी है। और उसने ज़रा रुक कर कहा, मेरी माँ ईरानी थी और ईरान वाले, वो बेवकूफ़ लड़की, शेर के परस्तार हैं, खून नहीं बहाते। वो उसी तरह हंसती रही। अब वो घाट की सीढ़ियों पर बैठी अपने बाल सुखा रही थी। हंसती रहो, एक रोज़ ज़बरदस्ती उड़ा कर ले जाऊँगा, फिर बाद में जो चाहना कहना। है ऐसा अंधेर न करना, शुक्र करो ये गांव है जहाँ तुमसे बात कर लेते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। जौनपुर में अगर इस तरह तुम घंटों हमसे बातें करते तो देखते अपना हश्र। जौनपुर में तो मैं तुमको कतई भगा ले जाता, ले जाकर सीधा अपनी हवेली में बंद कर देता। राम राम, कैसी बातें करते हो? जौनपुर में हमारा ऐसा महात्मा समान बादशाह रहता है, मजाल है जो तुम ऐसी हरकत करते? अजी देखे हैं तुम्हारे महात्मा समान बादशाह। क्यों? ऐसे ऐसे गीत बनाता है, जो इंसान इतना बड़ा संगीतकार हो वो देवता नहीं तो और क्या होगा। एक रोज़ भैयन ने मुझे एक बड़ा प्यारा गीत हुसैनी कांट्रा में सुनाया था। भैयन कहते थे कि ये सुल्तान की संगीत है, इसे ख्याल कहते हैं। अब तुम मौसीकी पर तकरीर करो, और कल तुम अपने बरामदे में बैठी किसको हुसैनी कांट्रा सुना रही थी? तुम कितने आदमियों से मिलती हो, तुमको इससे मतलब? कमल जी, तुम अपना रौब मुझ पर मत झाड़ो, सूबेदार हो गए अपनी फौज के हो गए, मुझ पर काहे की धौंस है? मैं सूबेदार नहीं हूँ, ला हौल वला कुव्वता। वैसे सिपाही का पेशा ही मर्द को सजता है, कातिल का पेशा? फिर तुमने कमीनी बातें शुरू की। अच्छा, अब नहीं कहने के, मगर हो तुम कातिल जरूर। जाने कितनी माओं के बेटों को इस तलवार से मारा होगा, हाय हाय। फिर वही मुर्गे की एक टांग, कितनी बार समझाया है कि मैं फौजी नहीं हूँ, सुल्तान के कुतुब खाने का निगरान हूँ। वो क्या होता है? उसमें किताबें लिखी जाती हैं, पुस्तकें जिन्हें समझदार लोग पढ़ते हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें तुम्हारा भाई सुबह से शाम तक चौकी पर बैठा बाईं से दाईं तरफ खींचा करता है, इनकी किताबें बनती हैं, समझी? जानती हूँ, मगर फिर ये तलवार क्यों बांधते हो? ये बड़ी खौफनाक चीज़ है चंपा रानी, इसे मर्दों का जेवर कहते हैं। इसके और पगड़ी के बगैर लबास मुकम्मल नहीं होता।
तुम अवध वालों ने अफसोस के चित्तौड़ और कन्नौज और मालवे और बुंदेलखंड के राजपूत नहीं देखे। देखे हैं कभी? एक मेरा यार है उदय सिंह राठौर, कन्नौज का राजपूत है, क्या बांका आदमी है, आजकल जाने कहाँ होगा, सुना था ग्वालियर के करत सिंह की फौज में है, पता नहीं शायद मालवे में कहीं लड़ भिड़ रहा होगा। कमालुद्दीन चंद लम्हों के लिए अपने मैदान जंग के साथियों की याद में डूब गया। तुम पूरब वालों का इसके सिवा और कोई मशगला नहीं कि बस गाएं बजाएंगे, पूजा पाठ में लगे रहेंगे। अरे ये लड़की, जिंदगी का असल लुत्फ तो मैदान जंग में आता है। अभी तो तुम कहते थे कि मारना मरना खाली अफगानों का काम है, तुम कविता लिखते हो। वो झुंझला गया। तुम औरतों से बहस कौन करे? उसने अमर बेल का एक पत्ता और तोड़ा। देखो, लड़की घाट पर से उठी और अपने स्याह लंबे बालों में से पानी झटक कर उनका जूड़ा बनाते हुए बोली, जंग की बातें मत किया करो। मैं जब तुमको देखती हूँ और ये तलवार देखती हूँ तो मुझे बड़ा वहम आता है। वहम? वो क्या चीज़ है? तुमको समझाना बेकार है। वो फिर सीढ़ी पर बैठ गई। कमालुद्दीन ने दरख्तों के साए की ओर देखा जो ढलते जा रहे थे। अच्छा चंपावती, तुमको खुदा के हवाले किया। वो अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। अयोध्या से तुम अभी चले जाओगे? करीब से दरवेशों की एक टोली गुजरी। उनमें से एक नौजवान ने चंपा और कमाल को देखा और फिर नजरें नीची कर ली और सर झुकाए आगे चला गया। ये भी क्या मसखरे लोग हैं, कमाल ने इजहार ख्याल किया। मसखरे नहीं है, बड़े प्यारे लोग हैं, इनका मजाक मत उड़ाना, चंपा ने अकलख गुस्से से कहा। एक रोज यही तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अच्छी खासी पंडिताइन बना रखा है, मैं किसी रोज उससे मुनाजरा करूंगा। वो क्या होता है? इसमें ये होता है कि कमालुद्दीन ने जाते जाते मुड़कर रिकाब में से पैर निकालकर उसे समझाना शुरू किया कि जैसे दो मजहब है ना, एक तुम्हारा एक मेरा। मेरा और तुम्हारा कोई अलग अलग मजहब है? मैं तो एक ही समझती हूँ। फिर तुमने खिरका पोशों वाली बातें शुरू कर दी। तो मतलब ये, उसने फिर समझाना शुरू किया, कि दो फरीक अपने अपने मजहब की सच्चाई साबित करने की कोशिश करें, उसे मुनाजरा कहते हैं। सच्चाई साबित करने वाले हम और तुम कौन? वो तो सत्य पीर है जो सब झूठ सच का फैसला करता है। कहे कबीर एक राम जयपुरी, हिंदू तुर्क न कोई। फिर तुमने तकरीर शुरू की, तुम काशी जाकर अपने कबीर की चेली क्यों नहीं बन जाती? मुझसे मीठी मीठी बातें करने में अपना वक्त क्यों खराब करती हो? काशी, तुमको भी साथ ले जाएंगे, मगर इससे पहले तुमको अपनी तलवार उतारना पड़ेगी। यही शर्त है? बिल्कुल यही शर्त है। तुमको तो जौनपुर का काजी होना चाहिए था। अच्छा, खुदा हाफिज। वो दरिया की तरफ बढ़ा। उस पार वो टूटे पत्थरों का ऊंचा ढेर, ऐसा क्या है वो? अरे वो तो बहुत पुराने मंदिर के खंडर हैं, सैकड़ों हजारों बरस पुराने। और उसके उधर वो झोपड़ियाँ ऐसी हैं, उनमें कौन रहता है? उनमें भी सूफी लोग रहते हैं, भगत। तब तो तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा कटता होगा, सूफियों की संगत, मसले मसायल, जिक्र अजकार, एक 18 साल लड़की के लिए किस कदर दिलचस्प मशगले हैं। और क्या करें, तुम्हारे जौनपुर की शहजादियों की तरह महल सरा में बैठकर शतरंज खेला करें। बिल्कुल, लेकिन मेरी महल सरा में शतरंज के अलावा किताबें भी हैं, सैकड़ों। और तुम इस कदर आलिम फाजिल पहले ही से हो, मैं तुमको अरबी फारसी भी पढ़ा दूंगा। वो दफतन छेप कर सुर्ख हो गई। कमाल ने उसे तबस्सुम के साथ गौर से देखा। मगर तुम अरबी बोलती अजीब मस्खरी लगोगी। नहीं भाई, तुम चंपावती ही हो, तुम्हारे रूप में मैंने औरत का हसीन तरीन रूप देखा है। अच्छा, खुदा हाफिज। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ। लड़की की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। तुम्हारा पड़ाव यहाँ खत्म हुआ, अब कहाँ जाते हो? उसने आहिस्ता से पूछा। बहराइच, वहां जाने कितने दिन लग जाए? बारिशें शुरू होने वाली हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, खुदा हाफिज। वो नासिर बेवकूफ लड़की, वो उसे बेवकूफ लड़की कहा करता था, और इस खिताब में कितना अथाह प्यार छुपा था। वो आंसू पीकर मुस्कुराई। कमालुद्दीन ने घोड़े की बागे मोड़ी और सड़क पर पहुंचकर गुबार में गायब हो गया। लड़की घाट पर से उठकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गई, जिसकी खपरेल पर नीले फूलों की बेलें चढ़ी थी
और जिसके सब्ज रंग के किवाड़ों पर देवी देवताओं की रंग बिरंगी तस्वीरें मुनक्कश थीं। बरामदे में उसका बड़ा भाई चटाई पर बैठा कबीर की नई बानी का कागज पर नकल कर रहा था। उसके करीब दो तीन दोस्त और बैठे थे। दरवाजे ताक पर भवानी की छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने रखी हुई धूप की पतली सी लकीर लहराती हुई ऊपर उठ रही थी। चंपा ने दरवाजे के करीब खड़े होकर इस पुरसुकून मंजर को देखा और अपने आंसुओं को खुश करती अंदर चली गई। बहराइच की छोटी सी आबादी में पीले रंग के कच्चे मकानात इधर उधर बिखरे थे। खाक आलूद रास्तों पर से बैलगाड़ियां गुजर रही थीं और उदासी की बैरंग बेनाम कैफियत सारे मितारी थी। सुना था कि किसी जमाने में यहाँ एक बेहद अजीमुशान शहर आबाद था, जिसे श्रावस्ती कहते थे। इसके सोमवंशी बादशाह बड़े जाहो जलाल वाले थे और नजूमियों ने श्रावस्ती के सोहल देव से कहा था कि एक वक्त आने वाला है जब उत्तर से देवजाद बुलंदोबाला तुर्क आकर तुम्हारा खात्मा कर देंगे। और गजनी के महमूद का एक सिपाह सालार इधर आया, जिसका नाम मसूद गाजी था, और उस मसूद गाजी ने सोहल देव का खात्मा कर दिया और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसके सिपाह सालार अहमद बख्तियार ने कौशल देश और मगध और बंगाल के सारे बुत परस्त बादशाहों का खात्मा कर दिया और श्रावस्ती और नालंदा और विक्रमशिला के सारे ब्रह्मचारी और भिक्षु अपने अपने पोथी पत्रे वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए या मर खप गए या नेपाल और तिब्बत की ओर निकल गए। लेकिन जिस तरह शाक्य मुनि पिछले 2000 साल में विष्णु के अवतार बना दिए गए थे और महायान बुद्ध मत के मंदिरों में हजारों देवी देवता आबाद हो चुके थे और सारा बंगाला और सारा बिहार तांत्रिक मंत्रों और देवी तारा के भजनों की सुरीली आवाजों से गूंज रहा था, उसी तरह बुद्ध शिकन सालार मसूद गाजी पिछली 2 सदियों में हाले म्या के रूप में कौशल देश के निवासियों के लिए एक और देवता बन चुके थे। उनके मज़ार पर घी के चिराग जलाए जाते, उनके झंडे उठाए जाते, हर साल धूमधाम से उनकी बारात निकलती। ये कैसी अजीब बातें थी। अबुल मंसूर कमालुद्दीन, जो पहली दफ़ा बहराइश आया था, सालार मसूद की ज़ियारतगाह की दीवार से लगकर दरख्त के साये में बैठ गया और अचंभे से औरतों की एक टोली को देखने लगा, जो हाथों में पीतल की थालियां संभाले सामने मज़ार पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आ रही थीं। ये हिंदू औरतें थीं और वो नालंदा और विक्रमशिला और उज्जैन और अमरावती के अजीमुशान बैनुल अक्वामी दारुल उलूम अब उजड़ चुके थे और श्रावस्ती के पुराने आश्रम सुनसान पड़े थे और उन पोथी पत्रों को समझने वाला अब कोई न था जो अजीबो गरीब जबानों में लिखे गए थे और अजीबो गरीब बातें इनमें लिखी थीं, न काबिल फहम फ़लसफ़े और अक्ल से बाला तर इलाहियात। मगर कुछ लोगों को पैदाइशी सनक होती है और कश्मीर के जैनुल आबिदीन और गौड़ के अलाउद्दीन हुसैन शाह की तरह जौनपुर का हुसैन शर्की भी इन्हीं सनकी लोगों में से था। इन बादशाहों ने मजीद बुत शिकनी के बजाय इन पोथी पत्रों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हुसैन शर्की को जब भी दिल्ली के सुल्तान बहलोल और सुल्तान सिकंदर से जंग करने से फुर्सत मिलती, वो अपना तंबूरा लेकर बैठ जाता, रागों की दुनिया की नई नई सयाहतें करता या कदीम नुस्खों की वर्क गर्दानी में मसरूफ रहता। पिछले दिनों उसे अयोध्या के चंद पंडितों से मालूम हुआ था कि बहराइच के किसी मठ में 150-200 साल पुराने संस्कृत के कुछ ताम पत्र मौजूद हैं। उसने अपने कुतुब खाने के जवासाल निगरा अबुल मंसूर कमालुद्दीन को इन पंडितों से मिलने के लिए अयोध्या भेजा। कमालुद्दीन अयोध्या चंद दिनों के लिए गया था, लेकिन उसका वहां इतना जी लग गया कि उसे तकरीबन याद ही ना रहा था कि उसे वहां से आगे तराई की तरफ भी सफर करना है, क्योंकि अयोध्या में उसे इन्हीं पंडितों में से एक की बहन नजर आई, जो चंपावती कहलाती थी। अपने दक्यानुसी फलसफों को छोड़कर सुल्तान के हुक्म के मुताबिक, जिनकी तलाश में कमाल उनके पास गया था,
सरजू के किनारे रहने वाले ये पंडित लोग एक नए चक्कर में पड़े हुए थे। इस चक्कर का नाम उन्होंने भक्ति रख छोड़ा था। वो लोग रात दिन नरगन राम जपोरे भाई की रट लगाया करते। उन्हीं के यहाँ कमालुद्दीन शंकर आचार्य और वल्लभ और रामानंद के नामों से आशना हुआ और अब वो सब के सब काशी के भक्त कबीर के पीछे दीवाने हुए जा रहे थे। लेकिन कमाल को भगत कबीर या किसी और भगत या संत या आचार्य से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने आप को फलसफी नहीं समझता था, वह मौर्रिख बनना चाहता था। उसे दुनिया की कौमों की तारीख बड़ी अजीब लगती। सुल्तान ने उसे मुख्तलिफ मुबहम किस्म की तारीखें लिखने पर मामूर कर रखा था और उसका वक्त बहुत अच्छा कट रहा था। लेकिन अब सुल्तान का हुक्म था कि पंडितों की मदद से संस्कृत और पाली और प्राकृत और अवध मगधी में लिखी हुई इन बेतुकी किताबों का फारसी में तर्जुमा करे। ये काम भी ज़्यादा गैर दिलचस्प न था। वो जल्द अज जल्द जौनपुर वापस पहुंचना चाहता था, जहां शाही महल में सुल्तान की भांजी रहती थी, जिसके लिए उसने बहुत सी नज़में लिखी थीं और जिसके तसव्वुर में उसने बहुत सी चांदनी रातें कुतुब खाने की बुर्जियों में बैठकर जागते हुए गुजार दी थी। लेकिन अयोध्या में उसे एक ब्राह्मण जादी मिली जो उससे हर वक्त कबीर की बातें किया करती, उससे उल्टी सीधी बहसें करती और कुछ अरसे के लिए वो जौनपुर की शहजादी को भूल गया। अब वो चंपावती ही के ख्याल में खोया रहता, क्योंकि वो बड़ी अनोखी बड़ी नई सी चीज़ थी। नाजिया और उम्मे रबाब और शहजादी सलीमा बानो बेगम से बिल्कुल मुख्तलिफ। मर्द हमेशा तनवो पसंद करता है। पुरानी किताबों की जस्तजू में वो सारे मठों में गया जो 500-600 साल कबल यहाँ शंकर आचार्य के चेलों ने कायम किए थे। श्रावस्ती के खंडरों में घूमा जो बहराइच की बस्ती सहत महत के इलाके में पड़े साई साई कर रहे थे और जहाँ दिन में उल्लू बोलते थे और रात में चमगादड़े अपने पर फैलाती थीं।